विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी ने शनिवार को एनडीए के सीनियर नेताओं से मांग की है कि वे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाएं। इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी। इन दो नेताओं की इस मांग के बाद बिहार में सियासी हलचलें तेज होने लगी हैं। बताते चलें कि मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी अच्छे मित्र भी हैं। मुकेश सहनी ने कहा कि नीतीश कुमार ने इससे पहले भी मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। मांझी दलित समाज से आते भी हैं, राजनीति में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। इसके साथ ही उनके पास 4 विधायक हैं। यह एक महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यह आंकड़ा ही प्रदेश में जिसके पक्ष में खड़ा होगा सरकार उसकी बन सकती है। सहनी ने झारखंड की चर्चा करते हुए कहा कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि झारखंड में एक विधायक वाले मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यहां तो जीतन राम मांझी के पास 4 विधायक हैं। चुनाव लड़ने के सवाल के जवाब में सहनी ने कहा कि मुजफ्फरपुर निषादों की राजधानी है, इसलिए हमारी पार्टी का यहां पर सबसे ज्यादा दावा बनता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अभी मेरा किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है, लेकिन हम चुनाव मैदान में किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन करके ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता सांसद का चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि निषादों के अधिकार उनको मिले, यह मेरी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने आगे कहा कि मुजफ्फरपुर से एनडीए हो या इंडिया गठबंधन हो, निषाद समाज के ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेंगे। यह अच्छा है कि कोई निषाद ही यहां से चुनाव जीतेगा। आगे उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर की सभा में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ पहुंची थी। सभी ने आरक्षण की लड़ाई लड़ने के लिए साथ देने का संकल्प लिया, इसलिए यह सीट तो निषादों का ही है। हुआ था, आपने देखा जबरदस्ती वहाँ पे भाजपा ने अपने कैंडिडेट दे दिया और हमने भी अपने कैंडिडेट दिया। हमने 30,000 वोट अकेले अपने दम पर 15% वोट हमने लाया। उसी जगह भाजपा वहाँ 37,000 वोट से हारा और वहीं पे महागठबंधन 37,000 वोट से वहाँ चुनाव जीता। तो आप देख सकते हो उस समय में नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी, मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, चिराग पासवान जी, पारा जी, सभी लोग उस समय था। जो आज गठबंधन है वैसा ही गठबंधन था, लेकिन 37,000 वोट से हारा और 30,000 वोट निषाद समाज को जोड़ दीजिए तो 67,000 वोट हो जाता है। तो आने वाला समय में वीआईपी पार्टी एक निर्णायक वोट है और जो निषाद समाज को सम्मान देगा, जो हमारे आरक्षण की बात मानेगा दिल्ली में, उन्हीं लोगों के साथ हम लोग आने वाले समय में गठबंधन करेंगे और आने वाला समय में समाज आगे बढ़ेगा। वीआईपी पार्टी का झुकाव किधर होगा लोकसभा चुनाव को लेकर? अभी देखिए बातचीत हुई है अभी तक? देखिए बातचीत भी, हमारे पास वोट है, सभी लोगों को वीआईपी पार्टी चाहिए, लेकिन हमारे अभी है कि 10-12 तारीख को अभी फ्लोर टेस्ट होगा। यहाँ पे भी बहुत सारा खेला होना है। अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुआ इसका आप लोग कोई कल्पना नहीं किया जा सकता था कि ऐसी घटना होगा, लेकिन ऐसा घटना हुआ। आने वाला समय में 12 तारीख को भी सरकार को बहुमत साबित करना और बहुत कठिन है, क्योंकि आपस में भारतीय जनता पार्टी जेडीयू आपस में लड़ रहे हैं। आपने देखा जब तक मुरट्ठा नहीं खुलेगा तब तक समझिए लड़ाई जारी रहेगा। मुरट्ठा खुल जाएगा तो हम मानते हैं कि लड़ाई खत्म होगा, लेकिन एक तरफ मुरट्ठा बांध के और आज भी उनका एक ही संकल्प है, जब तक नीतीश जी को हटाएंगे नहीं तब तक हम चैन से बैठेंगे नहीं। तो लड़ाई बहुत है। अभी 2-3 तारीख आ जाए, 9 दिन अभी देखिए फ्लोर टेस्ट तक देखिए कि क्या होता है, और एक बार ये निर्णय होने के बाद वीआईपी पार्टी निर्णय लेगी। वीआईपी अगर किसी गठबंधन के साथ जुड़ती है तो कितनी सीटें आप लोग लेना चाहेंगे, कितनी सीटों की मांग होगी? अभी हमें, हम लोग एक विचार से राजनीति करेंगे और जाहिर सी बात है गठबंधन में होगा तो हमारा इच्छा होगा मैक्सिमम सीट हम लड़े, और लेकिन एक उद्देश्य भी होगा कि हम, कि हमारा उद्देश्य क्या है। तो हमारा उद्देश्य है निषाद को आरक्षण मिले, युवा को रोजगार मिले, किसान को आय दुगुनी हो, हमारा बिहार आगे बढ़े, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। तो बहुत सारे चीज़ को, पहलू को सोचते हुए हम लोग डिसीजन लेंगे, मैक्सिमम सीट पर लड़ने का कोशिश करेंगे। वो गठबंधन पे, प्लेटफॉर्म पे ये सारे चीज़ तय होता है, लेकिन आने वाला समय में निषाद समाज जो है निर्णायक होगा। अच्छा, ये प्रत्याशी जो है वो स्थानीय मुद्दा रहेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए प्रत्याशी कोई भी हर पार्टी के लिए एक चुनौती होता है, और स्थानीय प्रत्याशी जो होता है वो बहुत मजबूत होता है और ज़्यादा काम का होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि अगल बगल के क्षेत्र कौन है, कौन बूथ किधर है, कौन पंचायत किधर है। तो स्थानीय कैंडिडेट हर पार्टी के लिए अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा समीकरण नहीं होता, आपके पास अच्छे कैंडिडेट नहीं है तो आप बाहर से ले आइए। जैसे पिछली बार हमारे पास पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था राजभूषण चौधरी, और हमारे पास उतना मजबूत दमखम बलाल, क्योंकि लोकसभा चुनाव तो दमखम से लड़ा जाता है, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ा जाता, तो ऐसे फिगर भी होना चाहिए। तो पिछली बार ऐसा हुआ था, नहीं था कैंडिडेट हमारे पास, तो हमने बेगूसराय से लाया था। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे स्थानीय
यहाँ पे जो मजबूत होगा, दमखम लगाएगा, पार्टी पे आस्था विश्वास होगा, पार्टी के साथ चलने वाला होगा, हम लोग चाहेंगे कि उसके ऊपर दाव लगाए। और निश्चित तौर पे दाव स्थानीय लोग पे लगाने से पार्टी को हमेशा फायदा होता है, चुनाव जीतने में आसान होता है। तो हमारा भी निर्णय यही होगा कि स्थानीय लोगों को चुनाव लड़ा जाए। लेकिन राजनीति है, कब क्या होगा, सारे चीज़ें होता है। पार्टी में पहले तो लोग रहे कि हम ये चुनाव लड़ना है, ये सीट वीआईपी को मिले, तो उस पर हम लोग निर्णय लिए हैं कि हमारे जितने भी वीआईपी पार्टी के नेता हैं, राज्य जिला में जितने भी निषाद समाज के गणमान्य नेता हैं, दो अदर अदर पार्टी में हो, हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा हो, सभी लोग हम लोग मिलेंगे और हम लोग सहसहमति से एक अच्छे कैंडिडेट का, अच्छे लोगों का चयन करेंगे, जो सब मिलकर उसको जिताने का काम करेंगे। तो ये प्रक्रिया पर हम लोग काम करेंगे। एक आखिरी सवाल है कि क्या अगर कोई गठबंधन नहीं मिलता है या नहीं जुड़ते हैं तो अकेली लड़ेगी वीआईपी? ऐसी कोई संभावना नहीं है, धन्यवाद।